ओके सो अभी मैं जा रही हूँ अपनी टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए। मेरा विजडम टूथ मुझे काफ़ी टाइम से इरिटेट कर रहा है, तो काफ़ी टाइम तो मैंने उसको इग्नोर करा, ठीक है कुछ टाइम बाद निकलवाऊंगी, बट अब इट्स हाई टाइम कि मैं अपना विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट करवाऊँ। सो अभी आज स्कूल गया है और मैं अमन के साथ अपना विजडम टूथ निकलवाने जा रही हूँ। ऑलरेडी मैंने ये वाला विजडम टूथ निकलवा दिया अपना, बट अब ये वाला निकलवाना है बिकॉज उसकी जो बगल वाली टीथ है उनमें कैविटी थी, तो उन दोनों का आरसीटी हो रखा है दोनों टूथ का बगल वाले। सो हाँ, दो मैं नहीं निकलवाना चाहती थी अपने विजडम टूथ, बट डॉक्टर सेड कि अगर आपको अपने बाकी के जो बगल वाली टीथ है उनको सिक्योर रखना है तो आपको अपना विजडम टूथ निकलवाना ही चाहिए। सो बस हाँ, दो मैं बहुत डरपोक टाइप की हूँ, बट स्टिल अभी आई हैव टू डू इट। So there I'm going for my wisdom tooth extraction. हाँ, so it's डर लग रहा है। So अभी हम डेंटिस्ट के यहाँ पहुँच गए हैं और अभी हम जस्ट वेट कर रहे हैं। And I'm a bit tensed. और अभी मेरा टूथ एक्सट्रैक्शन हो गया है एंड अभी मुझे कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं बोलना है एंड अमन उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। सो अभी हम थोड़ी देर रुक गए थे, अमन को कुछ काम था, मुझे थोड़ा सा नम फील हो रहा है अपने लेफ्ट हैंड साइड में एंड मीनवाइल अमन अपना कुछ काम कर रहे हैं। सो अमन बैंक गए अपने कुछ काम से, सो मैं थोड़ा सा गाड़ी के बाहर आ गई थी just to take a small amount of vitamin D. अब मैं केमिस्ट के पास जा रही हूँ to take the medicines. अभी आफ्टर कंप्लीटिंग लंच मैंने सिंपली अपनी मेडिसिन ली और आहान ये ऊपर चढ़ा हुआ था, इसको नीचे उतारा है। एंड अब मैं सिंपली सो गई थी, अमन आज जान को सुलाएंगे और उसकी टेक केयर करेंगे, सो मैंने जस्ट रेस्ट लिया है। सो अभी ना थोड़ी सी स्वेलिंग है मेरे फेस पे, इधर की साइड थोड़ी सी स्वेलिंग दिख रही है अभी बिकॉज इस साइड मुझे स्टिचेस आए हैं एज ये जो विजडम टूथ था ये काफ़ी अंदर की साइड था और जब मैंने इस साइड से एक्सट्रैक्शन करवाया था विजडम टूथ का, सो ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ये आ चुका था, तो ये ईजी था एक्सट्रैक्शन, ये वाला डिफिकल्ट था। बट चलो अभी मैं स्टिल बेटर फील कर रही हूँ, कल तो पूरा डे मैंने अप्रॉक्स रेस्ट ही लिया एंड सो बस ठीक है अभी, एज ऑफ नाउ आई एम फीलिंग गुड। सो अभी मुझे जाना है ग्रोसरी शॉपिंग, घर का कुछ सामान और फ्रूट्स वेजिटेबल राशन ख़त्म हो रहा है, सो अभी मैं जस्ट जा रही हूँ ग्रोसरी शॉपिंग। आहन को भी अपने साथ ले जाती हूँ, काफ़ी इंजॉय करता है, सो चलो लेट्स गो।
एंड अभी मैं आ गई थी घर, और घर आके सारा जितना भी ग्रोसरी है सारा मैंने अरेंज कर दिया है। सो आज मैंने डिनर में बनाया है आलू गोभी। और अब मैं मेथी साफ कर रही हूँ सारी इसकी लीव्स निकाल के, अच्छे से मैं एक एयर टाइट कंटेनर में रख देती हूँ। एंड फॉर अ वीक यू नो आपकी जो मेथी है, परांठे, सब्ज़ी सबके लिए ईजली यूज़ हो जाती है। एंड इट्स टाइम फॉर सम हेयर केयर। सो मैं अपनी हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ बहुत ही लाइट हैंड से। हेयर ऑयलिंग हमें करनी चाहिए, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज़ किया है। सो मैं अपनी हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ अभी, और मीनवाइल अहान अमन के साथ खेल रहा है। सो एंडिंग टुडे व्लॉग मॉम्स, आई होप आपने इसको व्लॉग को देखना एंजॉय किया होगा। बाय बाय, नमस्ते मॉम्स।